इज रिड्यूस्ड टू हाफ। मियोसिस के रिजल्ट बनते हैं उनमें क्रोमोसोमल नंबर हाफ यानी हैप्लॉइड होता है एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। इट टेक्स प्लेस इन डिप्लॉइड सेल्स ओनली इन एनिमल्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन व्हाइल इन प्लांट्स व्हेन स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। प्लांट्स में स्पोर फॉर्मेशन के वक्त और एनिमल्स में गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोटिक डिवीजन या मियोसिस अकर होती है। ईच डिप्लॉइड सेल आफ्टर मियोसिस प्रोड्यूसेस फोर हैप्लॉइड सेल्स बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टू कंसेक्यूटिव डिवीजंस आफ्टर सिंगल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रिड्यूस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों होता है? क्योंकि मियोसिस में एक्चुअली टू कंसेक्यूटिव सेल डिवीजंस होती हैं, लेकिन डीएनए की रेप्लिकेशन सिंगल टाइम होती है, इसलिए क्रोमोसोमल नंबर हाफ यानी हैप्लॉइड होता है मियोटिक एंड प्रोडक्ट्स में। टू डिवीजंस आर मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज द रिडक्शन डिवीजन, वेयर एज सेकंड मियोटिक डिवीजन इज जस्ट लाइक द माइटोसिस। Both divisions can further be divided into sub-stages like prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1, and same names are used for meiosis 2. Prophase 1. Prophase 1 is prolonged phase and differs from the prophase of mitosis because in this chromosomes behave as homologous pairs. Chromosomes jo hain wo homologous pairs के तौर पे एक्ट करते हैं। होमोलोगस पेयर्स यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाती है इन दी फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोफेज वन। प्रोफेज वन के स्टार्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। ईच डिप्लॉइड सेल हैज टू क्रोमोसोम्स ऑफ ईच टाइप, यानी हर डिप्लॉइड सेल में दो क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं, वन मेंबर फ्रॉम ईच पेरेंट। Because of fusion of male and female gametes, each chromosome has two chromatids. Because chromosomes have been replicated during interphase, chromosomes ki interphase mein replication ho chuki hoti hai. Interphase ko pehle dark phase kaha jata tha, yani chromosomes kyunki unvisible hote hain is phase mein, lekin wo replicate kar jate hain. और एक क्रोमोसोम से उसके उसका सिस्टर क्रोमेटिड साथ बन जाते हैं और वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेम सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड रहते हैं। सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं जिसके साथ दो सिस्टर क्रोमेटिड सेम अटैच्ड होते हैं और इस तरह से एक पेयर में क्रोमोसोम के दो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं और एक क्रोमोसोम के साथ दो क्रोमेटिड्स होते हैं और दो फरक होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। द इंटरफेज ऑफ मियोसिस टेक्स G2 स्टेज। द इंटरफेज ऑफ मियोसिस लैक्स G2 स्टेज। जो मियोसिस की इंटरफेज है उसमें G2 स्टेज नहीं होती। These similar but not necessarily identical chromosomes are called as homologous chromosomes. Similar chromosomes जो एक ही सेल में होते हैं और similar chromosomes होते हैं वो homologous chromosomes कहलाते हैं। Prophase 1 further consists of the following stages. Prophase 1 की आगे further stages हैं 5: leptotene, zygotene, pachytene, diplotene और diakinesis. Prophase 1 में ये 5 sub stages हैं। लैप्टोटीन स्टेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं, शॉर्टन और थिक हो जाते हैं, साइज न्यूक्लियस का इंक्रीज होता है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर और होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। लैप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स similar chromosomes, homologous chromosomes get close to each other. Zygotene stage start हो जाती है. Essential phenomena of meiosis, that is pairing of homologous chromosomes called synapsis starts during zygotene stage. Zygotene stage में synapsis होती है जिसमें homologous chromosomes के pairs बन जाते हैं. This pairing is highly specific and exactly pointed but with no definite starting points.
Each paired but not fused complex structure is called bivalent or tetrad. तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स इकट्ठे होके पेयर बनाते हैं उस पेयर में फोर क्रोमेटिड्स होते हैं, यानी एक क्रोमोसोम के साथ दो सिस्टर क्रोमेटिड्स, और इस तरह पेयरिंग से फोर क्रोमेटिड्स इकट्ठे हो जाते हैं और एक टेट्रैड बन जाता है. टेट्रा मीन्स फोर, तो इसीलिए इस पेयर्ड क्रोमोसोम्स को टेट्रैड बाइवेलेंट कहते हैं. बाय मीन्स टू, यानी दो क्रोमोसोम्स इकट्ठे नजदीक हो जाते हैं, और टेट्रा मीन्स फोर, यानी फोर क्रोमेटिड्स इस बाइवेलेंट में होते हैं. पैकेटीन थर्ड सबस्टेज है प्रोफेज वन की. पैकेटीन द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड. क्रोमोसोम्स बिकम मोर एंड मोर थिक. ईच बाइवेलेंट हैज फोर क्रोमेटिड्स विच रैप अराउंड ईच अदर. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स ड्यू टू क्यास्मेटा फॉर्मेशन. Chiasmata points of attachment हैं between the non-sister chromatids, और इन points पे homologous chromosomes अपने parts exchange करते हैं, और this exchange of chromosomal parts at the chiasmata points is called crossing over. In this way, reshuffling of genetic material occurs, which produces recombinations. Crossing over के process से genetic material reshuffle करता है और recombinations जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं. पैकेटीन में लास्ट फॉर डेज, वीक्स और इवन इयर्स, वेयर एज लैप्टोटीन एंड जाइगोटीन कैन लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू आवर्स. जो पहले स्टेजेस बताई लैप्टोटीन जाइगोटीन, शुरू की स्टेजेस वो ए फ्यू आवर्स तक लास्ट करती हैं, जबकि पैकेटीन जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, पैकेटीन स्टेज जो है वो सम डेज, वीक्स, इवन इयर्स लास्ट करती है. डिप्लोटीन आगे फोर्थ फेज है. डिप्लोटीन द पेयर्ड क्रोमोसोम्स रिपेल ईच अदर एंड बिगिन टू सेपरेट. डिप्लोटीन स्टेज में जो पेयरिंग हुई होती है वो क्रोमोसोम्स सेपरेट होने लगते हैं. सेपरेशन हाउएवर इज नॉट कंप्लीट बिकॉज होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिमेन यूनाइटेड बाय देयर पॉइंट ऑफ इंटरचेंज. होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो यूनाइटेड रहते हैं, और उनके पॉइंट ऑफ इंटरचेंज या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्यास्मेटा होते हैं. ईच बाइवेलेंट हैज एट लीस्ट वन सच पॉइंट. द क्रोमेटिड्स अदरवाइज आर सेपरेटेड. डायकाइनेसिस लास्ट फेज है प्रोफेज वन की, जिसे डायकाइनेसिस कहते हैं. डायकाइनेसिस स्टेज पे क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस फेज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स रीचेस टू इट्स मैक्सिमम. कंडेंसेशन क्रोमोसोम्स की मैक्सिमम हो जाती है. एट द सेम टाइम सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड. और सेपरेशन जो स्टार्ट हुई होती है पिछली स्टेज में वो कंप्लीट हो जाती है, बट स्टिल दे आर यूनाइटेड एट वन पॉइंट. मोर ऑफन एट एंड्स न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर. न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स एंड्स पे अटैच ही रहते हैं. प्रोफेज वन कंप्लीट हुई, इसे प्रोलॉन्ग फेज कहते हैं क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, साइनेप्सिस होती है, और फाइव फेजेस पे मुश्तमिल प्रोफेज वन होती है. लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस. अब नेक्स्ट फेज है मेटाफेज वन. मेटाफेज में ये होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज हो जाती है. At the beginning of this phase, nuclear membrane disorganizes, spindle fibers originate, and the kinetochore fibers attach to the kinetochore of homologous chromosomes from each pole. और kinetochore fibers कुछ होते हैं हर पोल पे, और ये kinetochore जो chromosomes पे kinetochore है उसके साथ attach हो जाते हैं, और spindle fibers originate करते हैं. kinetochore fibers homologous chromosomes के kinetochore के साथ attach हो जाते हैं, और बाइवेलेंट्स जो हैं वो इक्वेटर पे स्पिंडल के इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं. बाइवेलेंट्स यानी क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल के इक्वेटर पे अपने आप को अरेंज और सेट कर लेते हैं, और इस तरह से ये मेटाफेज वन जो है होती है इसका प्रोसेस. द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स इन बाइवेलेंट बिहेव एज अ यूनिट. और एक बाइवेलेंट में जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो एज अ यूनिट एक्ट करते हैं.
The sister chromatids of individual chromosome in bivalent behave as a unit. Anaphase 1. Anaphase 1 में क्या होता है कि kinetochore fibers contract and spindle or pole fibers elongate, which pull the individual chromosome having two chromatids towards their respective poles. Kinetochore fibers contract करते हैं और spindle या pole fibers elongate करते हैं. स्पिंडल या पोल फाइबर्स अलोंगेट करते हैं, कनेटोकोर फाइबर्स इस फेज में कंट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हैं हैविंग टू क्रोमेटिड्स वो रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करते हैं. इस कंट्रैक्शन से क्रोमोसोम्स रिस्पेक्टिव पोल्स की जानिब जाते हैं. इट मे बी नोटेड हियर दैट इन कंट्रास्ट टू एनाफेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नॉट सेपरेटेड. माइटोसिस के एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन एनाफेज वन जो मियोसिस में होती है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड ही रहते हैं. दिस इज एक्चुअली रिडक्शन फेज बिकॉज ईच पोल रिसीव्स हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. और इस स्टेज पे रिडक्शन होती है, रिडक्शन फेज कहते हैं एनाफेज वन को, क्योंकि हर पोल तक हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो रीच करते हैं. टीलोफेज वन. टीलोफेज वन पे मियोटिक डिवीजन वन मियोसिस वन का एंड हो जाता है. टीलोफेज वन में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज करती है अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एट टू पोल्स. न्यूक्लियोलाई रीअपीयर दस टू न्यूक्लियाई ईच विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड. और दोनों न्यूक्लियाई रीअपीयर हो जाते हैं, न्यूक्लियोलाई रीअपीयर हो जाते हैं, दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज करती है. लेटर ऑन साइटोप्लाज्म डिवाइड्स दस टर्मिनेटिंग द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. और टीलोफेज वन के एंड पे साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और यानी साइटोकाइनेसिस होती है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाता है. एट द एंड ऑफ द एट द टर्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इट इज आल्सो टू बी नोटेड दैट क्रोमोसोम्स मे कंडेंस ड्यूरिंग दिस स्टेट. ये मियोटिक डिवीजन वन का एंड है. मियोसिस टू में क्या होता है ये आप देखें. आफ्टर टीलोफेज वन टू डॉटर सेल्स एक्सपीरियंस स्मॉल इंटरफेज. स्मॉल इंटरफेज होती है मियोटिक डिवीजन वन और मियोटिक डिवीजन टू के दरमियान में. But in contrast to interphase of mitosis, there is no replication of chromosomes. लेकिन अब जो interphase है, in contrast to mitosis, इस interphase पे कोई replication of DNA या replication of chromosomes नहीं होती. और इसीलिए जो daughter cells बनते हैं at the end of meiotic division 2, उनमें half of the number of chromosomes होता है. Prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2 are just like the respective phases of mitosis during which the chromosomes condense. In phases में chromosome condense होते हैं, mitotic apparatus form होता है, chromosomes arrange होते हैं equator पे, spindle के और sister chromatids move apart and ultimately four nuclei at the respective poles of two daughter cells are formed. और उसी तरह से जो जैसे कि माइटोसिस में आपने देखा था कि रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करते हैं और क्रोमेटिड्स मूव अपार्ट, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं और रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करते हैं. फोर न्यूक्लियाई बनते हैं एट द रिस्पेक्टिव पोल्स ऑफ टू डॉटर सेल्स. साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस and four haploid cells with half of the number of chromosomes are formed. Okay, meiosis 2 ho gayi. Meiosis 2 jo hai wo mitosis ki tarah hi hoti hai. Meiosis 2 mein koi synapses or crossing over or recombination of genes nahi hoti. Importance of meiosis. Importance of meiosis mein kya hota hai ki crossing over and random assortment of chromosomes, ye do processes occur hote hain. ये मियोसिस की इम्पोर्टेंस है कि क्रॉसिंग ओवर और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स मियोसिस के दौरान होती हैं एंड दीज आर टू सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स ऑफ मियोसिस. ये मियोसिस की दो सिग्निफिकेंसेस हैं, सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स हैं कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स
होता है ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर पेरेंटल क्रोमोसोम्स एक्सचेंज सेगमेंट्स विद ईच अदर विच रिजल्ट्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशंस। और क्रॉसिंग ओवर में पेरेंटल क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं और इस तरह लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशंस रिजल्ट इसका होता है। एट द सेम टाइम ड्यूरिंग एनाफेज द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज रैंडम। Random assortment of chromosomes होती है, separation of homologous chromosomes is random, which gives very wide range of variety of gametes. और इस तरह से जो gametes बनते हैं meiosis के end पे वो wide variety उनकी होती है। Both these phenomena that is crossing over and random assortment cause variations and modifications in the genome. Genome yani whole set of genes of an individual is referred to as genome and dono phenomena ki wajah se variation genome mein aati hai. These variations are not only the basis of evolution but also make every individual specific particular and unique in his characteristics aur in variations ki wajah se evolution ke chances develop hote hain aur new species arise ho sakti hain और ये वेरिएशंस हर इंडिविजुअल को स्पेसिफिक पर्टिकुलर और यूनिक हिज कैरेक्टरिस्टिक्स बनाती हैं। इवन द प्रोजनी ऑफ वेरी सेम पेरेंट्स दैट इज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। हत्ता कि एक ही पेरेंट्स के जो बेबीज हैं ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं वो भी आइडेंटिकल नहीं होते, ये वेरिएशंस की वजह से है। मियोसिस यूजुअली टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल सेल यानी गैमीट फॉर्मेशन के वक्त मियोसिस टेक प्लेस होती है। स्पोर फॉर्मेशन के वक्त प्लांट्स में मियोसिस अकर होती है। दस हैविंग द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल व्हिच इज रिस्टोर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इस तरह डिप्लॉयड नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिस्टोर हो जाता है। हैड मियोसिस नॉट बीन द प्रोसेस द क्रोमोसोम नंबर मे हैव बीन डबल्ड आफ्टर एवरी जनरेशन। Can we imagine the consequences? और इस consequences में क्या होता है कि evolution के chances develop होते हैं, variation आती है और ये meiosis अगर ना होती तो generation after generation diploid number जो species के members के लिए constant है वो restored ना होता। तो meiosis की वजह से meiosis की बदौलत वो diploid number जो species के members के लिए specific number है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट और सेम रहता है। ओके गर्ल्स, अमियोटिक एरर्स, अमियोटिक डिसऑर्डर्स कह लें वो हम कल देखेंगे। आज हम अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं। अब बस दो टॉपिक्स रह गए हैं, अमियोटिक एरर्स और नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस। ये दो टॉपिक्स हैं, ये हम इंशाल्लाह कल कंप्लीट कर लेंगे। अमियोटिक एरर्स और है एक टॉपिक उसमें सिंड्रोम्स बताई हुई हैं और नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस दूसरा टॉपिक है, ये हम कल देखेंगे। अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं। मैम हो गई है अटेंडेंस? हो गई अटेंडेंस। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।